उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दबंगों ने 150 मजदूर साथ में ले जाकर गरीब महिला का घर गिरा दिया और सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया। मोबाइल, रुपए और जेवर लेकर भाग गए। दबंगों के द्वारा दी गई जान से मारने की धमकी, जिसकी प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई, खबर डीबी भारती समाचार में प्रकाशित होने के बाद एक्शन के मूड में आई भीरा पुलिस। 3 दबंगों को किया गिरफ्तार। राजस्व विभाग के लेखपाल ने बनाई थी फर्जी रिपोर्ट। सैकड़ों की तादाद में दबंगों के द्वारा उजाड़ा गया है पीड़ितों का घर और गिरफ्तारी हुई तो सिर्फ 3 लोगों की। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, पीड़ित को मिलेगा इंसाफ या फिर नहीं, बाकी दबंगों की कब तक होगी गिरफ्तारी। नमस्कार साथियों, मैं मासूम अली, आप देख रहे हैं डीवी भारत समाचार। मैं इस वक्त कलिया रोड पे मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे एक गरीब परिवार के दबंगों के द्वारा सामान पड़ा हुआ। हम जानेंगे परिजनों से क्या मामला इनका है, क्या चीज़ लिया तोड़ा गया है, इनसे लोगों से जानेंगे। लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे माता जी का है, माता जी से हम जानेंगे कि क्या है मामला इनका, जो कि इनका सामान सब इधर उधर गिरा पड़ा हुआ है। जी माता जी, क्या नाम है आपका? छोटी। कहाँ रहती है? भीरा। क्या है मामला आपका, सामान मामला का है? ये देखो, जो विवेकानंद स्कूल के पड़ोस में मेरा घर सब पूरा उसने कब्जा कर लिया है। पुलिस में गई थी? हाँ, पुलिस में गए थे। क्या बताया पुलिस? बताया कहा है जब बिके हुए हैं तो फिर बताना का, भगाई देना, भगाई दिया था, भगाई दिया था भैया। हाँ, कल हमारे साथ मिलते भैया। क्या नाम आपका? कहाँ रहती है? जी हमारी ये माँ का घर है, हम तो अपने ससुराल रहते हैं। क्या है मामला? जी मामला क्या, हमारी माँ का ये घर तोड़ फोड़ के बिल्कुल कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने बताया है हमारा घर तोड़फोड़ कर कब्जा कर लिया गया है। डीवी भारती समाचार के लिए रुखसार खान के साथ मासूक अली। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।